الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين स्टेज पर जलवा खरोश मुआज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम और मेरे रूबरू जलवा खरोश दीनी भाइयों बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन इस्लामी माए बहनें, इस बात का सबको यकीन है कि अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को और इस्लाम को इज्जत बख्शी है उसके अंदर सबसे ज्यादा कुरान मजीद की जरिए से इज्जत बख्शी। जैसा कि आप हजरात के सामने इस मदरसे के तलबा व तालिबात आकर कुरान की भी अहमियत बताई, मदारिस की भी अहमियत बताई और दीन इस्लाम की भी अहमियत बताई, उलमाए कराम की भी अहमियत बताई। यहाँ पर जमा होना ही ये अजमत कहलाती है। अगरचे के हम में से कुछ हजरात को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने वालों का साथ देना ये भी कुरान मजीद की साथ देने के बराबर है और इन तालिब इल्मों का साथ देने के बराबर है, इन मसाजिद का साथ देने के बराबर है। अगर आप देखते होंगे स्कूलों के अंदर गैदरिंग भी होती है और स्कूलों के अंदर बच्चों का नाच वगैरह भी कराया जाता है और बच्चों को गाने के लिए भरा जाता है, हर चीज किया जाता है और वहाँ पर भीड़ उमड़ कर आ जाती है और देखने के लिए औरतें होती हैं और मर्द होते हैं, सब कुछ जमा हो जाते हैं क्योंकि उनके नजदीक उसी चीज की अजमत होती है कि हमारी बच्ची कैसा नाचती है, हमारी लड़की कैसे गाना गाती है, हमारी लड़की कैसे फहेश गाने गाती है और कैसे एक्टरों की एक्टिंग करती है, ये देखकर खुश होते हैं और फख्र करते हैं, वाहवाही बयान करते हैं और उसकी मश्क कराते हैं और अपने लिए फख्र समझते हैं। कितनी बुरी बात है। माशाल्लाह आप हजरात इन हुफाज का दीदार करने के लिए, इन मदारिस के तलबा का साथ देने के लिए और स्टेज पर बैठे हुए उलमा को देखने के लिए और उनकी बातें सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला के जमा होने को कबूल फरमाए और आपके सुनने को कबूल फरमाए और इसी तरीके से आखिरी सांस तक इन मदारिस का और कुरान मजीद का और इन तलबा का, इन उलमा का साथ देने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए और हमें भी कुरान मजीद से जुड़ने, जमने और उससे ताल्लुक मजबूत करने के अल्लाह हमें भी तौफीक नसीब फरमाए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह स्टेज पर मुफ्ती एहतशामुल हक साहब बैठे हुए और दूसरी जानी कारी अजहर हक साहब बैठे हुए और पीछे उनके वालिद मोहतरम और चाचा बुजुर्गवार ये सब बैठे हुए हैं और ये सब ये इनका ताल्लुक मेरा अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से बल्कि मदरसे में रहने के जब से है। बयान तो हमारे अकाबिर हजरात करेंगे, मैं सिर्फ अपनी दिल की बात बयान करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों की बड़ी बात होती है और बड़े जमाने से इस दीन खिदमत में लगे हुए हैं और उन्हीं के जरिए से अल्लाह ने ये परवान चढ़ाया है और उन्हीं के जरिए से ये तमाम तरक्कियात आपको सब कुछ देख रहे हैं। माशाल्लाह जिस तरह से आकर उन्होंने जज्बात को बयान किया, कारी अजहर साहब और मुफ्ती एहतशाम साहब भी आपके सामने जो जज्बात को बयान कर रहे हैं,
मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अलवाज है, मैं अपने तालिबान के दौर ही से उनके जज्बात को देखता आ रहा हूँ और उनकी कोशिशों को और उनके तरफों को और उनके मेहनतों को देखता रहा हूँ। तालीमी सफर के साथी हैं, रफीक हैं, एक ही क्लास में हम आज एक दूसरे के सामने बैठा करते थे और मुस्तकिल हमारी मुलाकातें और बातें हुआ करती थी। हर वक्त किस तरीके से इलाके के अंदर काम किया जाए और तलबा के अंदर बच्चों के अंदर दीनी तालीम को किस तरह परवान कराया जाए और किस तरीके से उनके अंदर तालीम बेदारी को उजागर किया जाए। काजी अजहरुल्लाह साहब जब भी मुलाकात होती यही कहते कि हमको हमारे इलाके में एक मदरसा कायम करना है और उसके अंदर बड़ी बड़े इंतजाम के साथ और बड़े पैमाने के अंदर मेहनतें करना है। माशाल्लाह जितने उनकी जबान से बातें होती थी उससे ज्यादा मेहनत मैं इनको यहाँ पर देख रहा हूँ। बार बार आना होता है, देखना होता है और इतने कम जगह के अंदर तलबा अभी आना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जगह की दिल्लत की वजह से वापस किया जा रहा है। और हाँ, बिल्कुल एकदम हर बच्चे का तालीमी रिपोर्ट बेहतरीन और पढ़ने का अंदाज बेहतरीन, जैसा कि आपने कुरान मजीद भी उनकी जबान से सुना और तकरीरें भी सुनी, सब कुछ सुना कि इतना बेहतरीन निज़ाम और इतना बेहतरीन पढ़ने का मैं बहुत कम ज्यादा देखने में आता है कि इतना बेहतरीन तरीके से कुरान सिखाया जा रहा है और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और मुझे भी बार बार कहते थे कि आपको आना है, हमारे मदरसे में पढ़ाना है और हमारा साथ देना है। तो मैं कहता था कि हमको भी अपने इलाके में काम करना है, हम वहाँ काम करेंगे, आपका यहाँ पर कैसा साथ देंगे। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से हमको यहाँ पर लाया और किसी न किसी बहाने से हमसे काम लेते ही रहे। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और उनके काविशों को कबूल फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की नसीब फरमाए। और हाफिज कुरान का क्या मकाम मर्तबा है, आप बार बार सुनते हैं और बार बार उसको अपने लिए फख्र समझते हैं कि वालिदैन को सूरज से ज्यादा तीन रोशन ताज पहनाया जाएगा और हाफिज कुरान को अल्लाह ताला जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कहेंगे कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, जहां आखिरी आयत होगी वहां वो तेरे लिए जन्नत, वो मकाम, वो ठिकाना होगा। क्या खुशकिस्मती होगी, नूर के मेंबरों पर वालिदैन को बिठाया जाएगा, लोग रश करेंगे ये कौन है और ये इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, ऐलान होगा इनके बच्चे ने दुनिया के अंदर कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है इसलिए उनको ये मकाम मर्तबा दिया गया है। कितने खुशकिस्मती की बात होगी। हाँ, आपने कल कयामत के दिन ये कुरान मजीद की बात निष्पक्ष में बात बयान करता हूँ कि कल कयामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जबान से सूरह यासीन पढ़कर सुनाएंगे। कितने खुशी होंगी सुनने वालों को, जन्नत पर रहने वालों को। और फिर उसके बाद और कहेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि अभी मेरे जबान से कलाम मजीद सुनना बाकी है, तो रब ताला अपनी जबान से सूरह रहमान पढ़कर सुनाएंगे जन्नत के अंदर। क्या खुशकिस्मत होंगे जो अल्लाह ताला अपनी जबान से इस कलाम मजीद को पढ़कर सुनाएंगे। और वो कलाम आज ये नाकिस हम कमजोर और हम कम अकल और हम कमजोर इंसान अपने सीनों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जबान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हक ताला खुद अपनी जबान से पढ़कर सुनाएंगे। और हक हक और हजरत दाऊद अलैहि सलाम इस कलाम मजीद को पढ़कर सुनाएंगे। हमने कुरान मजीद के आयत पढ़ी खुतबे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हम ही ने कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए ना मालदारी देखी, ना शोहरत देखी, ना ओहदा देखा, ना मकाम मनसब देखा। एक गरीब और यतीम के बच्चे को अपने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए खड़ा किया और एक कमजोर एक अपने घर में जो नातवा थे ऐसे एक को परवान चढ़ाया और इज्जत बख्शी और सर बुलंदी अता फरमाई और मकाम मर्तबा दिया और एजाज इकराम से नवाजा। अल्लाह जिसको चाहता है कबूल फरमाता है, ये नहीं देखता कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या नहीं है, बल्कि जब अल्लाह किसी के पर नजर करम करता है वतुज्जुमंतशा जिसको चाहे इज्जत के पर इज्जत देता है और जिसको चाहे जिल्लत देता है। युजिल्लु बिही कसीरा वयाति बिही कसीरा। कुरान मजीद में अल्लाह ने भी फरमाया इसके
नजरिए से हम इंसान को हिदायत भी देते हैं और जलील भी करते हैं जो कुरान मजीद को अपनाता है और कुरान मजीद के अहकाम को अपनी जिंदगी में उतारता है और कुरान मजीद की तालीमात पर जिंदगी गुजारता है और हर चीज को और हर कुरान मजीद से मोहब्बत करता है। अल्लाह इस कुरान मजीद के जरिए से उसको हिदायत देते हैं और कुरान मजीद के अहकाम में इनकार करता है और कुरान मजीद की तालीमात को कमजोर समझता है और अहमियत नहीं देता तो फिर अल्लाह ताला उसको जलील भी करते हैं। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा और कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने इन्ना अरदना अल अमानता अला समावाति वल अर्ध वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला। हमने कुरान मजीद को आसमान पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया और जमीन पर पेश किया। आसमान ने भी इनकार किया, पहाड़ ने भी इनकार किया, जमीन ने भी इनकार किया। इतना वर्दी कलाम हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना ताकतवर कलाम हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि आसमान का किनारा किसी ने नहीं देखा, आसमान कितना बुलंद है और कितना मजबूत है किसी ने किनारा नहीं देखा और बगल सुकून के खड़ा हुआ उतना बड़ा ताकतवर आसमान ने इनकार कर दिया कि कुरान मजीद के वजन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और जमीन कितनी मजबूत है हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जमीन ने भी इनकार किया। पहाड़ जब से पैदा हुए हैं और कयामत तक उसी हालत में खड़े हैं, पहाड़ ने भी कहा इतने वजनी कलाम को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ने फिर इंसान को कहा कि इस कुरान मजीद को कबूल फरमाई। इंसान ने कहा कि मैं इस कुरान मजीद को लेता हूँ। तो फिर अल्लाह ने कहा कि इंसान इस कुरान मजीद की वजनी कलाम को लेने के लिए कबूल फिर अपनी इकरार किया है और इस्लाम जलूम इंसान कौन है। ऐसा ना हो कि कुरान मजीद किताब दी गई है आपको अपने मकाम और मर्तबे इसके मिलने की वजह से अपने अंदर बड़ा पन्ना है। अल्लाह ने आगे भी कहा ज़ुलूमन जहूला, जिसने कुरान मजीद को लिया है वो बहुत बड़ा जालिम भी है और जाहिल भी है। अल्लाह ने मगर एजाज तो दिया लेकिन बड़ा पन नहीं आना चाहिए, इसका ऐसे अल्फाज भी अल्लाह ने बयान फरमाए। तो कितनी खुशकिस्मती की बात है इस छोटे से बच्चे के दिलों के अंदर और बचपन ही में अल्लाह ने कुरान मजीद हिफ्ज करा रहा है। कितनी मेहनतों से इसको यहाँ तक पहुँचाया, सहाबा इकराम पत्थरों पर लिखकर रास्तों में बैठकर इससे सुनकर उससे सुनकर कितनी मेहनतों से कुरान मजीद को जमा करके यहाँ तक पहुँचा है। और आज़ादी की वफ़ा तो ऐसे हाँ आप भी सुनाना कि आज़ादी की वफ़ा कुरान मजीद को मिटाया जा रहा था, उलमा को जलाया जा रहा था, मसाजिद को जहाँ खत्म करने की साजिश की जा रही थी वही कुरान मजीद को हर तरीके से हर तरफ से निकाल कर जलाया जा रहा था। वैसे हालात के अंदर अल्लाह कैसे कुरान मजीद की हिफाजत करता है देखिए। और फिर कब्र के अंदर जाकर एक रूम था और लोग ये समझते थे कि ये शहीद हो गया, ये मर गया, इसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि ले जाने वाले तालिब इल्म होते थे और उस्ताद पिंजरे के अंदर सोए होते थे, वो कितनी फिक्र थी कुरान मजीद को बचाने की। वैसे हालात के अंदर फिर उस्ताद और तालिब इल्म कब्र के अंदर जाकर कुरान मजीद दिन भर हिफ्ज करते थे। ये अल्लाह ने किस तरीके से कैसे अंदाज से कुरान मजीद की हिफाजत करता है। कुरान मजीद ऐसा नहीं, कुरान मजीद अभी मैं पैगाम आपको देता हूँ, ये किसी आलिम का एक वाक्य है, आलिम है या कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बेटे ने हिफ्ज मुकम्मल किया तो उन्होंने उनको दादा से जाकर मिला है कि मेरे बेटे ने हिफ्ज मुकम्मल किया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दादा ने कहा है कि ये तो खुशी आपके लिए, मेरे लिए कहा है मेरा बेटा कहाँ हाफिज है। तो वो शख्स को बड़ी फिक्र हुई कि ये तो बहुत वालिद साहब ने बहुत अजीब बात कही। अब उनको दिल पर ठोस लगी कि मैं वालिद साहब मैं बेटा और मैं इनको खुश नहीं कर सका हिफ्ज करके। चुनाचे उसी दिन से मेहनत की और तारीख में किताब में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज करके दादा से अपने वालिद साहब से जाकर कहा कि आपके लिए भी खुशखबरी हो कि आपका बेटा भी हाफिज बन गया है। तो किसी उम्र नहीं देखे जाती हिफ्ज करने के लिए, कुरान मजीद पढ़ने के लिए किसी के अंदर फिक्र हो जाए। आप भी बहुत सारे लोग हैं
जो अपनी 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जज्बा पैदा होता है कि हम भी कुरान मजीद सीखें, हम भी कुरान मजीद यूज करें और हम भी कुछ इस कुरान मजीद से ताल्लुक मजबूत करें, ये फिक्र पैदा होती है। आज भी पढ़ते हुए लिखते हैं, आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हम कुरान मजीद सीखना है, थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन सीखते जरूर है और मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जलसे में आए और ये आए और बात सुने और चले गए। हमारे अंदर कुरान मजीद की अहमियत यही है कि हम भी सीखने वाले बने, हम भी पढ़ने वाले। हजरत मौलाना जिया रहमान फारूक के पड़ोस मुल्क के बहुत बड़े आलिम दिन गुजरे हैं और उन्होंने अपनी किताब के अंदर वाकया लिखा है जिसको बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, उनको लोगों ने वो तजवीन की, लेकिन दफनाने वालों में एक शख्स का जो नौजवान था, रिश्तेदार था, पाकिर था, गिर गया और इसके अंदर बहुत कीमती कार्ड वगैरह थे, कागजात थे, तो उसको फिक्र हुई कि वो कागजात अगर नहीं लूंगा तो मेरी निकाह नौकरी चली जाएगी और मेरी ड्यूटी चली जाएगी। घर वालों से इजाजत लेकर उसने कहा कि मैं वो निकाल लेना चाहता हूँ, चुनाचे घर वालों ने इजाजत दी और जाकर वो जब कब्र खोलता है बुजुर्ग की, अभी दफन करके कुछ ही देर हुआ था तो देखा कि उसके कब्र के अंदर गुलाब के फूल बिछे हुए हैं और खुशबू से पूरी कब्र महक रही है। वो लेना छोड़कर वापस आ जाता है ये मंजर देखकर कि क्या बात है, अभी तो चला गए थे छोड़कर, लेकिन अल्लाह का क्या इकराम है इसके साथ। चुनाचे घर वालों को जाकर पूछा कि इस बुजुर्ग का क्या अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ने इतनी जल्दी उसके साथ इकराम किया और इतनी जल्दी उसकी कब्र को जन्नत बनाया। तो घर वालों ने कहा कि कुछ खास अमल तो नहीं था, लेकिन हम ये अमल उनका रोजाना देखते थे तो रोजाना सुबह कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कुरान मजीद से बहुत दिलचस्पी थी, बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी, वो पढ़ने के एक लफ्ज भी नहीं आता था, लेकिन कुरान मजीद खोलकर उंगली रखकर ये कहते थे अल्लाह तूने ये भी सच कहा, अल्लाह तूने ये भी सच कहा, अल्लाह तूने ये भी सच कहा। बस यही अमल हो सकता है जिसको उनके कब्र ने जन्नत बना दिया है, अल्लाह ने उनके कब्रों में फूल बिछा दिए हैं। तो हमको तो मौका है अभी पढ़ने का, पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद अगर हम कुरान मजीद से दूर रहेंगे तो हमारी जिंदगी अल्लाह ताला कल कयामत दिन पूछेंगे हमसे कि मैंने कुरान मजीद किया था, कितना पढ़कर आया है, कितना पड़ता है, कितने अफसोस की बात होगी। हम 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने खड़े होकर ये जवाब देंगे कि हम मैंने एक आयत भी पढ़कर नहीं आया, एक आयत भी सीख कर नहीं आया, इतनी जिंदगी कहाँ लगाई। हम कारोबार सीख जाते हैं, मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और कई कई चीजें सीख लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद सीखने के लिए इतनी बड़ी उम्र में हमको वक्त नहीं मिलता है, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है कितना कुरान मजीद पढ़ कर आए हो। इसलिए इरादा करे, आह्वान करे, खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाए और पढ़ाने वालों का भी साथ दे और बच्चों का भी साथ दे, इन मदारिस को मजबूत करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम तमाम के मेहनतों को और जो बातें सुनी है उस पर अमल करने का हमें तौफीक नसीब फरमाए और आने को जल्द से बाला कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।